आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम पेरोल का सेटअप कैसे करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट रियल टाइम ट्रैकर 11.7 सॉफ्टवेयर में पेरोल इनेबल नहीं होता है, तो सबसे पहले पेरोल का ऑप्शन हमें इनेबल करना होता है, पेरोल का ऑप्शन हमें ऑन करना होगा। पेरोल का ऑप्शन ऑन करने के लिए हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज़र, यूज़र से जो भी हमारा यूज़र एडमिन एडेड है या जो भी आपने नया यूज़र क्रिएट करके रखा उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से एडवांस पेरोल फीचर्स पर हमें क्लिक करना है। एडवांस पेरोल फीचर्स पर क्लिक करना है और हमें सॉफ्टवेयर का लॉगिन पासवर्ड वापस से डालना है और सेव कर देना है। जैसे ही ये सेव हो जाएगा हमारा पेरोल का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। रिकमेंडेशन ये है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर पेरोल का ऑप्शन एक बार इनेबल करते हैं सॉफ्टवेयर को एक बार रीस्टार्ट कर लें। सॉफ्टवेयर को एक बार ऑन कर देते हैं। एडमिन से हम दोबारा लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सैलरी रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। अभी सैलरी का सेटअप या पेरोल का सेटअप करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी होती है सैलरी या पेरोल के हेड्स क्रिएट करना, कि किस किस मोड में हम सैलरी दे रहे हैं, बेसिक, एचआरए, डीए, मिजेलिनियस, कन्वेंस, जो भी चीज़ें हैं वो सारे सैलरी के हेड्स क्रिएट करना। तो सैलरी के हेड्स क्रिएट करने के लिए हमें फाइल में जाना है, फाइल में कंपनी मास्टर, और फिर जो भी हमारी कंपनी है वो कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार कंपनी का नाम भी यहीं से डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सैलरी का हेड्स डालते हैं। जैसे अभी यहाँ पर बेसिक पड़ा हुआ, हम दो चार हेड्स और ऐड कर लेते हैं, एचआरए, डीए, कन्विंस के लिए हो गया। ऐसे ही डिडक्शन अगर आपका होता है तो डिडक्शन के हेड्स आप डाल सकते हैं, या जो भी डिडक्शन होते हैं, फिक्स डिडक्शन हेड्स हैं या डिफाइंड डिडक्शन, अलग से आपको डिडक्शन के लिए कोई हेड्स ऐड करने हैं तो वो सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ एडवांस पे करते हैं। और जो भी आपका पेरोल का सेटिंग है, जो भी ESI, PF या EPF का डिडक्शन है वो भी हम यहीं से एंटर कर सकते हैं। तो ये ESI नंबर एक्चुअल में कंपनी का ESI नंबर होता है, जो मैं अभी के लिए कोई भी नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। PF का परसेंटेज हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, 12% है। EPF का परसेंटेज हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ESI का परसेंटेज हम यहीं पर एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये हमारा हो गया सैलरी हेड्स क्रिएशन, अभी इसको हमने सेव कर दिया। अब आगे का अगला जो स्टेप है वो है कि एम्प्लॉई को सैलरी असाइन कैसे करेंगे। तो एम्प्लॉई को सैलरी असाइन करने के लिए हमें जाना है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन के हमें नीचे दिखेगा सैलरी सेटअप। जैसे हम सैलरी सेटअप पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट हमें दिख जाएगी। अब यहाँ से हम कोई भी एम्प्लॉई सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉई यहाँ मैंने सेलेक्ट किया तो एम्प्लॉई की सारी डिटेल्स नीचे आ जाती है। यहाँ जो भी ESI, PF या EPF का परसेंटेज हमने एंटर किया हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। अब आगे इस एम्प्लॉई की सैलरी एंटर करने के लिए हमें हेड्स पे जाना होगा। हेड्स के अंदर जैसे कि देख सकते हैं बेसिक, HRA, DA, कन्विंस, जो भी हमने कंपनी मास्टर में एंटर किया है वो यहाँ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर डिडक्शन हेड्स हमारा यहाँ दिखेगा, अभी के लिए हमने कोई भी डिडक्शन या फिक्स डिडक्शन ऐड नहीं किया है तो हम सिर्फ हेड्स पर ही काम करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर इनका बेसिक सैलरी एंटर कर देते हैं, HRA एंटर कर देते हैं, DA भी एंटर कर दे रहे हैं एंड कन्विंस भी एंटर कर देते हैं। यहीं पर हमें डिसाइड करना है कि ESI, PF या OT का जो भी कुछ कैलकुलेशन होगा वो किस पे होगा। तो अभी के लिए यूजुअली जो यूनिवर्सल का डिडक्शन होता है ESI, PF या OT का, वो सब बेसिक पर ही होता है। तो यहाँ से हम बेसिक पर टिक मार्क कर देंगे और मंथली रिपोर्ट, अगर हमें मंथली सैलरी रिपोर्ट अगर हमें कैलकुलेशन करनी है मंथली सैलरी, तो हम यहाँ मंथली पर टिक मार्क करेंगे। इसी के साथ ही अगर हमें सैलरी रिपोर्ट के अंदर OT भी दिखाना है, ओवरटाइम भी दिखाना है, तो 100 OT पर टिक मार्क करना है और इसी के बाद हमें सेव कर देना है। जैसे ही हम यहाँ से सेव करेंगे वो एम्प्लॉई यहाँ से हाइड हो जाता है। अब अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई में वापस से कोई भी चेंजेस करना है तो हमें अपडेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई पे सेटअप में जा करके
यहाँ से हम फिर दोबारा कोई चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर जिस भी इम्प्लॉय का सैलरी और एंटर करना है वो हम यहीं से आकर के उस इम्प्लॉय की सैलरी एंटर कर सकते हैं। वापस हम हेड्स में गए और यहीं से उस पर्सन का हम सैलरी एंटर कर सकते हैं। इनके लिए भी हम एंटर कर देते हैं। ESIPF का डिडक्शन भी एंड मंथली करके सेव कर देते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ दो लोगों के लिए सैलरी एंटर करते हैं। अब आगे सैलरी का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे? सैलरी रिपोर्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपका अटेंडेंस प्रॉपर होना चाहिए, तो मेक श्योर आपका अटेंडेंस का रिपोर्ट प्रॉपर आ रहा है। अगर अटेंडेंस की रिपोर्ट प्रॉपर नहीं है तो सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र, जनरेट सेव डेटा प्रोसेस। अभी के लिए हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं सिर्फ मंथली प्रोसेस कर ले रहा हूँ जिसके बिहार पर हम सैलरी का रिपोर्ट निकालेंगे। मंथली अटेंडेंस प्रोसेस कर दे रहे हैं। सैलरी रिपोर्ट निकालने में सिर्फ एक चीज़ एडिशनल है, एक बार हमारा अटेंडेंस ओके हो गया, अटेंडेंस अगर हमारा ओके है उसके बाद हमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा करना है और वो है सैलरी प्रोसेस। सैलरी प्रोसेस हमें प्रोसेस के अंदर मिलेगा, सैलरी प्रोसेस। जब हमारा अटेंडेंस एक्यूरेट हो जाता है तो उसके बाद हम सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही सैलरी प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर हम सैलरी रिपोर्ट में जा करके जो भी अपना पे सेटअप या सैलरी का रिपोर्ट है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए हमने सिर्फ दो इम्प्लॉई ऐड किया है, तो दो के लिए हम पे स्लिप पे क्लिक करके शो रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं सैलरी कैसे आती है। ये हो गया हमारा पे सेटअप। जैसे कि देख सकते हैं ये इंडिविजुअली दोनों इम्प्लॉयज़ का अलग अलग यहाँ पर पहले डिटेल्स दिखता है कि कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, कितना हॉलीडे, लीव, वीक ऑफ, पेड लीव, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रेट ऑफ वेजेस में आपको दिखेगा कि टोटल सैलरी क्या इंसर्ट किया हुआ है। उसके बगल में आपको अमाउंट पेबल दिखेगा जो उनकी पेड डेज के हिसाब से कैलकुलेट करके कितनी सैलरी उनकी पूरे महीने की हो रही है वो। PF और ESI का डिडक्शन आपका डिडक्शन सेक्शन में यहाँ दिखेगा। के बाद नेट सैलरी जो होता है वो आपका सबसे नीचे यहाँ दिखेगा।